पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेट क्रिमिनल्स ने डकैती मुजाहमत पर एक और नौजवान शहरी को बाप ने के सामने फायरिंग करके जख्मा कर दिया। कराची टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान के 304 रन की बर्तरी खत्म करने के लिए इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मर्दों और खाना शुमारी की फहरस्त ने ताखिर से मिली तो अगले वर्ष आम इंतखाबात का इनाकात मुमकिन नहीं। मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन के लिए नई हल्का बंदियों की मश्क शुरू करना मुश्किल है। इस्लामाबाद वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफी की सिफारिश पर सिविल एविएशन में मनपसंद जूनियर अफसरान को बड़े ओहदों पर तैनात कर दिया गया। कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और पिशावर एयरपोर्ट के मैनेजर्स तब्दील कर दिए गए। इस्लामाबाद हुकूमत ने मुकामी सतह पर जानवरों की वैक्सीन तैयार करने का फैसला कर लिया है। सीईओ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी डॉक्टर आसिम रऊफ ने एआरवाई न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी।